हाँ नमस्कार। आज हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी मुंह में अजीब तरह का खाना आ जाना, मुंह में एसिड का आना, बहुत ज्यादा पेट में गैस हो जाना, अचानक आप सो रहे हैं आपके मुंह में खाना आ गया, सांस बंद हो गया, इस तरह के जो आपके सिम्टम्स होते हैं, इस तरह के जो लक्षण आप में पाए जाते हैं उसको हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कभी भी आपको लगे कि बहुत जल्दी जल्दी ऐसा हो रहा है, हर हफ्ते दो बार तीन बार हो रहा है, या आपका वजन कम हो जा रहा है, या कभी थूक से या पेट में उल्टी से कभी खून आया हो, तो आप तुरंत अपने नजदीक के अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे मिलिए। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको एक एंडोस्कोपी यानी दूरबीन से आपके आंत की जांच करने की सलाह देगा। अगर ऐसा वो करते हैं तो आप वो आंत एंडोस्कोपी आप जरूर करवाइए। अगर आपका वजन कम हो रहा है, अगर पेट से खून आ रहा है, अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी ऐसा हो रहा है, तो क्योंकि आपके खाने की नली में कोई अल्सर, कोई घाव ऐसा हो सकता है जिसको कि हम लोग रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। एंडोस्कोपी करने के बाद हो सकता है कि उसमें कुछ ना भी निकले, तो उसको हम लोग नॉन रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। इन कंडीशनों में, ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना होगा, आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही वो ज्यादा अच्छा से बताएंगे आपको। लेकिन फिर भी आपको एक तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, यानी आपको कम तेल वाला चीज खाना होगा, तला भुना चीज कम खाइए, ऐसा चीज जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब कम कीजिए, खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाइए, खाना खाते समय ज्यादा पानी नहीं पीना है, खाना खाने के कम आधे घंटे बाद पानी पीना है, और खाते ही थोड़ा सा टहलिए उसके बाद लेटिए। इसके साथ हम लोग दवाई भी देते हैं, इस दवाई को हम लोग कहते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जिसमें बहुत तरह का हो सकता है, रेबिप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, बहुत तरह की दवाइयां हैं, इसको भी आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही आपको अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन मेन जो उद्देश्य है इस मैसेज का वो है कि आप अपना लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करें।